आप सभी को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं फिर आप लोगों को 22 से 23 किलोमीटर दूर गांव में ले चल रही हूं। आप लोग गांव की हरियाली देखते चलिए, साथ में धूप भी देखते चलिए, कितना तेज धूप है। इस धूप और हरियाली से होते हुए हम एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहां का वीडियो आपको दिखाएंगे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या वीडियो बनाती हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक बार आप लोगों के, आपने मेरा पहला वीडियो में इतना ज़्यादा प्यार दिया तो मैं एक बार फिर आ जाई हूँ कतरो गांव। अभी सुबह के करीब 11 बज रहे हैं, मैं कतरो गांव आई हूँ कुंवारी माता के पास, क्योंकि आप लोगों ने जैसे पहला वीडियो में मेरा देखा है कि जैसे ही नवरात्रि शुरू हुई थी, कतरो माता बिना खाए पिए उपवास होके अपने पेट में जोत जलाकर 9 दिन के लिए भी कील वाले बिस्तर में सोई थी। तो आज नवमी का दिन है, तो आज उनका उठने का दिन है, तो मैं आज एक बार फिर आई हूँ उनका वीडियो बनाने। अब आज वो उठेंगी, उसके बाद वो क्या क्या प्रोग्राम करेगी मैं उसका वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज एक माता की में इतनी शक्ति है, देखिए दुर्गा माता में, कि बिना खाए पिए एक ही करवट वो 9 दिन से कील वाले बिस्तर में सोई हुई हैं और आज उठेंगी। बहुत ज़्यादा धूप हो गया है, 11 बज रहा है और ये उनके घर का माहौल है, पीछे देखिए बहुत से लोग आए हुए हैं गाँव वाले उनका दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, मैं अभी उनके गाँव के बाहर का माहौल आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए पूरा एकदम मेला का माहौल है, मेला जैसे है, बहुत से लोग आए हैं। देखिए ये सब माता का इंतजार कर रहे हैं उठने का, कि जब तक कब उठेंगी और कब उनका दर्शन करेंगे, उसके लिए इतने सारे लोग आए हुए हैं। देख लीजिए बहुत ज्यादा भीड़, ऐसे आम दिनों में यहाँ ज्यादा हलचल नहीं रहती है, लेकिन आज यहाँ पे बहुत ज्यादा हलचल है। ये है उनका घर, देखिए मैं आपको बाहर से उनका घर दिखा दे रही हूँ। चलिए अब हम माता के घर के अंदर चलते हैं। जय माता दी। देखिए कितना भीड़ है उनके घर के बाहर, काफी भीड़ का माहौल है। ये देखिए झूला है यहाँ पे, काल कुंवारी माता आएंगी तो इसमें झूलेगी। देखिए भक्त लोग चारों ओर बैठे हैं, मैं बाहर का साइड का भी नजारा दिखा रही हूँ, देखिए कितने भक्त आए हैं। देखिए यहाँ पे पूरा ज्वार अच्छी तरह से हो गया है, आज नौवां दिन है। यहाँ पे भी जोत जला है लेकिन यहाँ ज्वार नहीं लगाया गया है। एक बार मैं पूरा कमरा घुमा के उनके आंगन का भीड़ आप लोग को दिखा रही हूँ, सिर्फ आप लोग देखते रहिए, यहाँ ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि माइक भी बज रहा है, तो आप लोग सिर्फ नजारा देखिए। कुंवारी माता के आने के पहले आंगन को अच्छी तरह से लीपा जा रहा है, औरतें आंगन को लीप रही है। लीपने के बाद यहाँ पर कुंवारी माता आएंगी और अपना आगे झूला झूलने का जो भी कार्यक्रम होगा वो होगा इसके आगे। इसके लिए आंगन को अच्छी तरह से पानी और गोबर से लीपा जा रहा है। यहाँ पे भक्तों का भीड़ देखिए, आप यहाँ का लाइन लगा हुआ है, लाइन टूटने का नाम नहीं ले रहा है, इतने ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे देखिए द्वार विसर्जन के लिए द्वार बिछाया जा रहा है, इस तरीके से तीन लाइन बनाया जा रहा है और इसके बाद यहाँ पे द्वार विसर्जन होगा, उसका यहाँ पे रिवाज किया जाएगा। देखिए यहाँ से कुंवारी माता आ रही है, जो जो जितना भी हो कोई मत आने दे। हाथ दे दे, हाथ ये मेरा खड़ा हो गया। चलो भैया चैनल वाले बना, चलो नीचे उतर जाओ, नीचे उतर।
यहाँ पर देखिए कुंवारी माता का लोग सेवा कर रहे हैं, पंखा झल रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कुंवारी माता मुस्कुराते हुए अभी मुस्कुरा रही है और सेवादार लोग पंखा झल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप चेंज हो रहा है। देखिए अभी थोड़े से रौद्र रूप में आ गए हैं। देखिए अभी माता जी तैयार बैठी है झूला झूलने के लिए। अब पीछे उनका मंदिर है, मैं आप लोग को मंदिर का भी दर्शन करवा देती हूं। क्या मतलब इतना रिक्वेस्ट? और यहाँ पे जो लड़कियाँ तैयार खड़ी हैं वो अपना सर में लेके जाएंगी। बैकूफ है क्या भैया? आप ही बताओ, मीडिया वाले ही होशियार हो क्या? जितने भी मीडिया वाले बाहर निकलो, निकलो बाहर, आप ही लगा पोकर। यहाँ पे देखिए झूला एकदम तैयार है। अब माता कुंवारी माता कभी भी आके यहाँ पे झूला झूल सकती है। उनके सेवादार लोग आ रहे हैं, माता का रोता है।
करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। थैंक यू, वीडियो देखते रहिए। शांति बनाए रखो, ऊपर नीचे मापो, जनता में शांति बनाए रखो। हेलो, यहाँ से जो है कैमरा में आप कैद कर लिए माता का सुंदर से जो है।